अभी देखो इसका सेक्शन बनाऊंगा मैं कि पहले ये ऊपर जा रहा ही है ऐसे, तो स्ट्रेट लाइन लेनी है अपने को, फिर थोड़ी सीधी, फिर इसको थोड़ा नीचे की तरफ लेना है अपने को, वेरी गुड ठीक है ना। तो मॉर्निंग। ये टाइप से अपन को एक सेक्शन बनाना है। फिर क्या करना है, यहाँ पे थोड़ा सा है ना लाइन को बराबर बराबर रखो, और ये लाइन को थोड़ा सा नीचे ले लो, और यहाँ पे कर दो आर्क, ये टाइप से इसका शेप है, ठीक है ना। ये टाइप से इसका शेप है हार्दिक भाई। देखो हाँ सर, ठीक ये टाइप से इसका शेप है, फोटो में देख लो एक बार, है। ठीक है। तो अपन को ये टाइप के शेप बनाने के लिए अभी क्या करना पड़ेगा कि यह सेक्शन का साइज अपन को सेट करना पड़ेगा। यहाँ पे अभी 46 बता रहा है, इसका विड्थ बता रहा है, ठीक है ना, और हाइट लेना 17 mm अपने को। तो सेक्शन की साइज पहले सेट कर देते हैं अपने, 46 विड्थ करते हैं और 17 mm इसकी हाइट करते हैं, ठीक है ना। तो पहले सेक्शन की साइज सेट करोगे ना तो वही साइज का आएगा ये सेक्शन 3D इसका, ठीक है। तो ये मैंने सेट कर दिया, और एक को करता हूँ मिरर, मिरर करके रखना है अपने को। तो सबसे पहले मैं ये बार वाली लाइन लूंगा, और यहाँ पे एक्सट्रूड कमांड में जाऊंगा, और ये वाला सेक्शन लेता हूँ पहले, ठीक है ना। तभी क्या हो रहा है कि ये जो डिजाइन आ रहा है ये बाहर की तरफ आ रहा है, अपन को लेना अंदर की तरफ। तो यहाँ पे करेंगे यूज अदर साइड, लेकिन फिर भी इसका शेप थोड़ा अलग ही आ रहा है, तो अपन को अंदर की लाइन लेनी पड़ेगी, ठीक है, यहाँ से लेना पड़ेगा। और ये सेक्शन लिया सेट, और यहाँ पे करते हैं स्टार्ट प्रोफाइल में सेट कर देते हैं। तो ये यहाँ पे बराबर आ रहा है ये, ठीक है, लेकिन अंदर की तरफ जा रहा है ये, इसको करना पड़ेगा रिवर्स करना पड़ेगा। तो रिवर्स में ज्यादा अंदर आ रहा है, ये लाइन लेते हैं और सेट एक्सट्रूड कमांड, और ये सेक्शन अंदर की तरफ अब रिवर्स करते हैं, ठीक है ना। तो अभी बराबर आ रहा है, तो देखो देखो मिरर करके रखने हैं अपने अपने सेक्शन वगैरह, और फिर यहाँ पे रिवर्स फॉरवर्ड करके सेट कर देने के, ठीक है ना, नई सेट बैठता हो तो। और यहाँ पे ये साइज मैंने 17 mm लिया, तो ये 17 mm में सेट हो गया ये, ठीक है। अभी देखो उससे पहले ये मतलब रिंग बनाने से पहले अपन ने क्या किया था, जो जो ये अंदर वाला जो फ्लावर था ना, इसको थोड़ा है ना ये थोड़ा कर्वेचर में किया था अलग टाइप से, मतलब साइड किनारे किनारे ऊपर जा रहे हैं, ये अंदर से मतलब नीचे दबा हुआ है, ये थोड़ा शेप में अलग से लिया था मैंने। तो ये बाहर वाला जो मतलब ये पत्ते हैं ये सीधे सीधे हैं, तो इसको भी ऐसे कैसे ही लेना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, एक दो सर्कल बनाए हुए हैं, कल कर रहे थे अपन काम, और सेक्शन भी बने हुए हैं, अपन को करना पड़ेगा ये, और ये लाइन को सिलेक्ट करना पड़ेगा, पहले इसको शेप में लेते हैं, फिर उसके बाद में रिंग को बना देंगे, और यही सेक्शन, ठीक है ना। तो ये टाइप से पहले बनाया था अपन ने, और यहाँ पे करते हैं 10 mm, ये स्टार्ट हाइट नहीं लिखनी अपने को, 0 अपने को करना है 3D का हाइट, ठीक है ना। तो ये टाइप से ये 10 mm आगे ऊपर ऐसा शेप में, और यहाँ पे अप्लाई कर दो। अब क्या करना है, जो ये बाहर वाला जो भी एक्स्ट्रा है सर्कल, इसको निकाल दो। तो यहाँ पे करना पड़ेगा अपने को ये 3D अपन लेंगे, और यहाँ पे क्रिएट बाउंड्री करेंगे, इसकी बाउंड्री निकाल देंगे आउटर आउटर, तो इससे कट कर देंगे अपन, ठीक है ना। तो ये इसका आउटर आ गया, और ये लाइन अपन सिलेक्ट करेंगे, और 8 नंबर की लेयर जो अपन ने अभी बनाई है खाली शेप लेने के लिए, और यहाँ से करेंगे रिलीफ एडिट और आउट 0 आउटसाइड कट, ठीक है। तो देखो इसका भी शेप ऐसा कैसा आया जैसा कि अंदर अंदर वाला आया है, और अभी क्या है कि ये वाला भाग देखो, अभी जो जो कट किया वो वाला भाग अंदर भी थोड़ा दिख रहा है इसके अंदर, तो
अपन क्या करेंगे, ये लाइन को अपन पकड़ेंगे जो अंदर वाला फ्लावर है, तो इनसाइड कट करना पड़ेगा, ये अलग से एक्स्ट्रा बनाया उसको, एडिट और 0 इनसाइड, ठीक है ना। तो अंदर वाला जो भी मतलब आया होगा तो वो कट हो जाएगा। ठीक है, तो अभी देखो बराबर दिखेगा ये वाला। अभी देखो इन दोनों को मैं मर्ज इनटू सिंगल लेयर करता हूँ और इसकी हाइट देखता हूँ कितना आ रहा है। 17 mm आना चाहिए क्योंकि नीचे वाला भी 17 mm मर्ज आई। और यहाँ पे इसके लाइट देखते हैं, 17.9 आ रहा है, तो यहाँ पे करते हैं राउंड फिगर 17 करते हैं, ठीक है ना। और ये वाला भी देखो चेक कर लो, ये भी 17 ही है, तो ये भी 17 है और ये भी 17 है, ठीक है। तो दोनों मतलब साइज बराबर हो गया, तो और लेवल में आ गया पूरा पूरा डिजाइन। अभी क्या करना है, अभी बनाते हैं इसको बाहर वाली रिंग को, ठीक है ना। तो ये लाइन मैं पकड़ पकड़ता हूँ और यहाँ से ये एक्सट्रूड कमांड में गए और यहाँ पे ये सेक्शन लिया, ठीक है ना। और ये देखो इसका ये शेप आ गया ही, ठीक है ना। और अपन ने साइज वगैरह सब सेट की हुई है 17 mm, तो 17 mm से मतलब ये मतलब ऊपर नहीं जाएगा ये, ठीक है ना। साइज वगैरह पहले ही सेट कर देने की ट्रांसफॉर्म कमांड से, तो फिर वो वही साइज का अपने 3D बनेगा, क्योंकि एक्सट्रूड कमांड में साइज अपने सेट करने का खाली अपने ट्रांसफॉर्म कमांड से ही सेट किया जाता है पहले से, ठीक है ना। ठीक है, ये हो गया। अभी थोड़ा कलर चेंज कर देता हूँ, सही नहीं दिख रहा है। ठीक है, ये आ गया। ठीक है, देखो ये पूरा पूरा लेवल में है रिंग वगैरह। अभी क्या करना है कि रिंग के ऊपर कट, इसके ऊपर कट भी दिख रहे हैं यहाँ पे, तो ये अपन को ये कट भी बनाने पड़ेंगे। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे, और यहाँ पे देखो थोड़ा सा मतलब एक गुरु टाइप दिख रहा है यहाँ पे, तो अपन क्या करेंगे, ये लाइन मैंने बनाई हुई है और यहाँ पे एक्सट्रूड कमांड से एक राउंड लेंगे और राउंड से थोड़ा सा कट कर देंगे ये वाला पार्ट को, ठीक है ना। तो ऐसा अपन एक कट बनाने के लिए थोड़ा सा मैं सेक्शन बनाता हूँ, फिर इस सेक्शन को अपन जब चालू करेंगे ना कमांड, तब उसके हिसाब से अपन थोड़ा बड़ा कर देंगे। तो ये लाइन को सिलेक्ट किया मैंने और एक्सट्रूड कमांड और ये सेक्शन और ये मैंने लिया सेंटर में, ठीक है। ये आ गया अभी ऊपर, ठीक है। अभी करना है यहाँ पे सबट्रैक करना है अपने को, ठीक है। तो ये टाइप से ये सबट्रैक हो गया, आ गया ना ये। सुभाष जी हाँ अभी आया सर। आया ना। तो देखो ये टाइप से अपन ग्रुप वगैरह देना है, तो देखो इसमें ग्रुप वगैरह दे सकते हैं अपन। बस सेक्शन को जितना अपन को रखना है ना उसको, उतना छोटा बड़ा जितना भी करना है चालू कमांड में ऐसे कर सकते हैं अपन, ठीक है ना, ये टाइप से। और यहाँ पे अप्लाई कर दो फिर इसके बाद में। अभी क्या करना है यहाँ पे, अब ये साइड में जो कट भी है, तो ये कट भी लेने पड़ेंगे अपने को, तो ये भी मतलब एक्सट्रूड कमांड में आ जाएंगे। अभी क्या करना है यहाँ पे है ना, मैं थोड़ा बड़ा सा कट लेता हूँ ये ऐसे, ये टाइप से, ठीक है। ये यहाँ तक आ रहा है, अभी मैं यहाँ पे रोटेट करके देखता हूँ कि कितना आ रहा है अभी। अभी मैं यहाँ से रोटेट और यहाँ पे करता हूँ 150, ये 150 करता हूँ, ठीक है। और सेलेक्ट पॉइंट, ये वाला सेलेक्ट पॉइंट लेता हूँ और यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। थोड़े ज्यादा तो नहीं आ गए, 100,
पीस करता हूँ, ठीक है? तो अभी ठीक है, ठीक है, थोड़ा थोड़ा गैप भी रहना चाहिए। और कंट्रोल जी से ग्रुप कर दो इसको, ठीक है? अब क्या करना है, ये भी कट मारने पड़ेंगे अपन को। तो ये सेक्शन, वही सेक्शन लेता हूँ, अभी मैंने कट मारा वो। और यहां से देखो, एक तरफ से थोड़ा बड़ा कट लेना है अपने को, तो एक सेक्शन मैं और बनाता हूँ, दो सेक्शन बनाता हूँ। एक पीछे वाला भाग छोटा करूंगा और आगे वाला भाग बड़ा करूंगा मैं, ठीक है? तो यहां से मैं एक्सट्रूड कमांड में गया और ये आगे वाला भाग, ये छोटा, ये पीछे वाला भाग छोटा रखेंगे, ठीक है ना? और सेंटर लाइन, ठीक है? और ये आगे वाला भाग ये बड़ा कर देंगे। तो ये एंड प्रोफाइल में ये लेता हूँ, ठीक है? तो एक बड़ा कौन सा आ रहा है वो देख लेते हैं। ये पीछे वाला भाग बड़ा आ रहा है, अपने अपने करना है। आगे आगे से थोड़ा चौड़ा करना है, तो मैं क्या करूंगा, ये इसको बढ़ा लूंगा मैं, ठीक है ना? ऐसा करूंगा, थोड़ा साइज बढ़ा दिया मैंने, और इसका भी है ना, थोड़ा साइज बढ़ा लेता हूँ, ठीक है? ये टाइप से। और यहाँ पे करते हैं सबट्रैक, ठीक है ना? सबट्रैक किया और मैं जेड सेक्शन भी यही देता हूँ, ठीक है ना? तो थोड़ा किनारे किनारे दब जाएंगे थोड़े, और अप्लाई कर दो। अब ये लाइन से कट कर दो बार वाला भाग, एडिट आउटसाइड कट, ठीक है? ये कट हो गया। अभी देखो, ये यहाँ पे भी थोड़ा अंदर आ रहा था, मैं क्या करूंगा, एक थोड़ी ऑफसेट लाइन मारूंगा यहाँ से, ठीक है? और रिलीफ एडिट और इनसाइड कट कर दूंगा, ठीक है ना? तो अंदर वाला भाग भी ये कट हो गया, तो ये शेप में आ गया, आया ना बढ़िया शेप में। देखो अभी भी ये कट यहाँ से थोड़ा बाहर मेरे को दिख रहा है ये, तो क्या करूंगा, थोड़ा सा हल्का सा ऑफसेट लाइन मारूंगा यहाँ से, क्योंकि ये लाइन थोड़ी बाहर है, तो मैं यहाँ तक लेता हूँ, रिलीफ एडिट इनसाइड कट। इनसाइड से तो अंदर का चला जाएगा, आउटसाइड कट करना था, रिलीफ एडिट आउटसाइड कट, ठीक है? ये हो गया। अभी क्या करना है, ये अब देखो, अंदर अंदर का जो फ्लावर वाला भाग था, ये वैसे तो कंप्लीट है। अभी क्या है कि ये बीच में ये वाले भाग बनाने हैं अपने को, ये वाले, तो इसमें से एक ही बनाएंगे अपन। यहाँ से एक सेंटर लेता हूँ, ठीक है ना? ये वाला सेंटर, और ऐसे कहीं पे भी सेट कर देता हूँ, ठीक है ना? एक प्रॉपर एक सेंटर लेना है अपने को। फिर क्या करूंगा, यहाँ से एक आर ऐसा बनाऊंगा मैं, शेप इतना इतना, ठीक है ना? इतना इतना अपने शेप सही लेना है, फिर बाद में पीछे वाला भाग अंदर दबा देना है। ठीक है, और ये शिफ्ट दबा के मैं मिरर कर देता हूँ। अब देखो, ये इसका सेक्शन बनाया हुआ है कि नहीं, नहीं बनाया तो बनाना पड़ेगा अपने को। तो यहाँ पे देखो, आर्क लेना है ऐसे, ये सेक्शन का, ठीक है? और ये आर्क को अपन को करना है मिरर। और यहाँ पे देखो, रेडियस दे देना थोड़ी, ठीक है? ये रेडियस दे दी। अब क्या करना है, यहाँ पे एक जेड सेक्शन में बना लेता हूं, अगर जरूरत पड़ेगी तो लगा देंगे, ये टाइप से। ये जेड सेक्शन कहाँ काम करेगा, अगर मतलब ये पीछे वाला भाग थोड़ा ऊपर ज्यादा आ रहा है, तो इसको है ना जेड सेक्शन दे के थोड़ा पीछे से दबा देंगे, जैसे कि फैट रिलीफ में करते हैं, ठीक है? अभी क्या करूँ, एक्सट्रूड कमांड में गया और ये सेक्शन लिया, और यहाँ पे देखते हैं, ये ठीक है, लेयर अलग ही है,
तो देखो ये अपनी डिजाइन 17 mm में है, तो अपन स्टार्ट हाइट देते यहाँ पे 3-4 mm की देंगे तो चलेगा। और यहाँ पे मैं 12 13 12 12 और 4 16, ठीक है ना, तो ये इतना आएगा तो चलेगा, ठीक है ना, 16 mm, ठीक है ना। ओके अभी क्या करना है यहाँ पे, इसमें भी देखो कट है ये, तो अपन को ये कट देने पड़ेंगे। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से ये लाइन लूंगा ऐसे, और एक लाइन यहाँ पे लूंगा, ठीक है, और इनको कर दूंगा ग्रुप कंट्रोल जी, और इसको कर दूंगा मिरर, ठीक है ना, ये मिरर कर दिया। अब लेना है एक्सट्रूड कमांड से, ये भी कट लेने हैं अपने को, तो सेक्शन पास में बना बना के रखो, ठीक है। तो यहाँ से ये वाला एक्सट्रूड कमांड में कट करूंगा, एक्सट्रूड कमांड, और ये वाला सेक्शन देता हूँ और सेंटर लाइन लेता हूँ, ठीक है, ये कट आ गए। अब करना है यहाँ पे जेड सेक्शन देते हैं, फिर अब करना है सबट्रैक करना है ये वाला पार्ट, ठीक है, और यहाँ पे देखते हैं एक ही में हो रहा है ये, ठीक है, अप्लाई कर देते हैं। अब क्या करना, 12 नंबर की लेयर को, ये मतलब इसकी लाइन वर्क बाहर का निकालना है आउटसाइड कट करने के लिए, तो ये लाइन वर्क आ गया ये। अब 13 नंबर की लेयर के जो भी बाहर निकल रहा है इसको आउटसाइड कट कर देते हैं, ठीक है ना। अब थोड़ा स्मूथ कर दो इसको, ये वाला भाग स्मूथ कर दो, ठीक है ना। अब फिर से रिलीफ एडिट और आउटसाइड कट कर दो, ठीक है, ये टाइप से आएगा। और 12 और 13 नंबर के लेयर को मर्ज इनटू सिंगल लेयर करो, और मर्ज आई, फिर यहाँ पे रोटेट करो, और फिर रोटेट में गए और यहाँ पे लिखना है 12 लिखना है, और सेंटर लिया हुआ ही है, और अप्लाई कर दो, ठीक है, ये आ गए। अब पेस्ट कर दो यहाँ से, ट्रांसफॉर्म से भी पेस्ट होता है और क्लिक कुकीज कटर वहां से भी पेस्ट होता है, तो हेलो, ऐसा। हाँ, ये स्टॉप हो गया क्या? ठीक है ना, तो ये आ गया, इतना इतना देखो कंप्लीट हो गया अंदर वाला सब, ठीक है ना, तो सही लग रहा है ना ये। हेलो, सर, सही है। देखो ये टाइप से अपन को डिजाइन को सही से मतलब बनाना, 2D मतलब अपना अच्छा होना चाहिए, और फिर इसके बाद में ये बार वाला भाग बनाएंगे अपन। तो यहाँ से देखो मैं एक बार ये अपनी जो सेंटर लाइन है, देखो काम हो जाने के बाद में ये जो अपन को नहीं दिखता है ना, इसको या तो फिर अलग लेयर में ले लो, ये यहाँ पे क्लिक करो और लेफ्ट लेफ्ट अपने माउस का लेफ्ट बटन दबाओ, राइट राइट बटन दबाओ, और यहाँ पे है ना दिया हुआ है मूव टू वेक्टर, तो यहाँ पे न्यू लेयर कर दो, ठीक है ना, इनको नहीं दिखता हो तो यहाँ पे, तो फिर इसमें वेक्टर में जाओगे तो ये लेयर नहीं बनेगी यहाँ पे, तो ये वाली लेयर बंद कर दो, ये वाली लेयर बंद कर दी, ठीक है ना, ये नई लेयर आ गई, और दूसरे ये लेयर है अपनी, ठीक है, तो ये लेयर बीच वाली लेयर बंद कर दे क्योंकि सेंटर दिखाई नहीं दे रहा मेरे को।
अब क्या करेंगे, यहां तक एक सेंटर बनाऊंगा मैं, ठीक है। अब देखो ये इसका 2D बनाना है, तो सबसे पहले ये वाला भाग बनाऊंगा, तो देखो इतना इतना अपने को लेना है ये, ठीक ठीक है ना। ये टाइप से मैं बना रहा हूं इसका, और एक लाइन मैं लेता हूं यहां से, ठीक है ना, इतना इतना। ठीक है ना, ये टाइप से अपन को लेना है। पहले 2D एकदम प्रॉपर बना दो, फिर उसके बाद में 3D। ठीक है, अब ये साइड वाला भाग बनाएंगे, तो ये निकलेंगे यहां से, ठीक है, फिर इसको कट कर देंगे, ठीक है ना। ठीक है, पहले इसको 2D को सही से सेट कर देते हैं। ठीक है, मैन जो है 2D है, पहले 2D सही सेट होगा तो मतलब 3D में इतनी दिक्कत नहीं आती, वो फटाफट फिर 3D हो जाता है। देखो लाइन को थोड़ा थोड़ा अंदर लेना है, क्योंकि मर्ज हो जाएगा ये। ठीक है ना, ये टाइप से। अब क्या है कि ये जो कट वगैरह है, ये तो बाद में भी अपन दे सकते हैं, ठीक है ना, और बनाना है तो बना देते हैं एक बार। ये टाइप से कट आएंगे, और इसका भी ये टाइप से कट आएगा, और इसको थोड़ा सेट कर देते हैं।
ठीक है, ये 2D का काम कंप्लीट हो गया है। अब ये सेंटर वाला भाग बाकी है खाली। ठीक है ना, यहाँ पे भी देखो एक पत्ता है, अलग से दिखाई नहीं दे रहा फोटो में। अब ये यहां से अपन लेंगे, और ये वाला भाग अपन को यहां अंदर दबाना है, ठीक है ना, क्योंकि वैसे भी ये दिखने वाला नहीं है ये। ठीक है, अभी क्या करना है, इसमें भी एक कट आएगा तो वो कट का भी लाइन ही बना देता हूँ अभी। अभी देखो इसका सेक्शन बनाते हैं अपन, दो तीन सेक्शन बना देते हैं। पहला आएगा ये, ठीक है। अब यहां से ये देखो सेक्शन दो आएंगे, और यहां से मिरर करते हैं। अब ठीक है, और यहाँ पर सेक्शन बने हुए हैं, ठीक है ना, और इसका सेक्शन भी अलग आएगा। ये वाला भाग बनेगा तो इसको थोड़ा सा आर्क में लेते हैं, ठीक ये टाइप से आएगा, और इसको भी एक मिरर करके रखते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले अपन बनाते हैं ये वाला भाग बनाएंगे, इसकी भी 2D बना लेते हैं तो जल्दी काम हो जाएगा। ठीक है, यहां से सेट करते हैं इसको। ठीक है, ये हो गया। अभी ये कट वाला भाग भी ले लेते हैं। और ये सेंटर वाला, ठीक है ना, सेंटर वाला ऐसा आएगा। तो देखो यहाँ पे सेंटर वाला भाग, यहाँ पे यहाँ से थोड़ा रेडियस में लेना है, कि यहाँ पे सीधा सीधा दिख रहा है तो अपन को सीधा नहीं रखना, क्योंकि सीधा रखोगे तो वो फिर वो क्या है, बीच में लाइन आएगी, ऐसे 3D बनाओगे, ठीक है ना। अब करते चालू, ये फर्स्ट ये वाला बनाएंगे अपन, कि इसका सेक्शन कैसा है, कि ये यहाँ से थोड़ा सा है और यहाँ से आर्क जा रहा है, तो देखते हैं। ये 14 नंबर में कोई नहीं है, ठीक है, ट्यूबवेल में गए और ये सेक्शन दिया। अभी ऐसा आ रहा है ये, तो यहाँ से सीधा कर लेते हैं, ठीक है, तो अभी भी उल्टा आ रहा है, ये सेक्शन नहीं बैठ रहा था, ये वाला सेक्शन देते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे नहीं सेट बैठ रहा है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, ऐड करेंगे, इंसर्ट करेंगे यही वाला सेक्शन, और यहाँ से यहाँ तक मैं सेक्शन ये देता हूँ, ठीक है, ये आ गया। अभी देखो इसमें कैसा शेप है, कि ये यहाँ से ऐसा जा रहा और यहाँ पे उल्टी दिशा में ये मुड़ जाएगी, ठीक है। अपन को क्या करना पड़ेगा, एक उल्टा सेक्शन और देना पड़ेगा ये वाला, तो
ये वाला सेक्शन देता हूँ, इंसर्ट करके मैं यहाँ पे डालता हूँ, ठीक है ना। और इसको है ना थोड़ा एंगल थोड़ा मैं इसका चेंज कर लेता हूँ ये टाइप से, तो इधर से ऐसा और इधर से ऐसा आ जाएगा। अब यहाँ पे करना स्वैप बिटवीन स्पेन, ठीक है ना। तो ऐसा करोगे तो मतलब ये दोनों दोनों साइड से मतलब ऐसा होगा, ये टाइप से इधर आएगा और ये टाइप से ऐसा आएगा, ठीक है ना, दोनों दिशा में आ जाएगा ये। एक सेक्शन मैंने, एक सेक्शन ये दिया और दूसरा सेक्शन मैंने ये दिया, तो ये वाला भाग ऊपर रखना और ये वाला भाग ऐसे रखना, ठीक है। ठीक है ना, तो ऐसे ऐसे मुड़ जाएगा ये पत्ता, ठीक है। अजय भाई देखो, हाँ सर, ये दो सेक्शन मैंने अलग अलग दिए, देखो ये इसकी दिशा इधर जा रही है और इसकी दिशा इधर जा रही है, ठीक है। तो और फिर मैंने स्वैप बिटवीन, देखो स्वैप बिटवीन किया ना तो ये ऑटोमेटिक सेट हो गया, दो सेक्शन को सेट करता है ये वाला ऑप्शन, ठीक है। तो ये दोनों तरफ से ये सेक्शन सेट हो गया, ठीक है। अब क्या करता, थोड़ा सा हल्का सा राउंड वगैरह शेप में लेता हूँ और फोटो में कैसा है कि ये सही आ रहा है वैसे। तो अब क्या करता हूँ, यहाँ पे ये सेक्शन सेकंड सेक्शन दिया था, इंसर्ट करके आगे और देता हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे थोड़ा सही नहीं आ रहा था, यहाँ तक मैं लगा देता हूँ, तो ये पूरा पूरा देखो मुड़ जाएगा ऐसे। अब आई करके यहाँ से इसको पूरा ऐसे मूव, थोड़ा और लाइन को आगे बढ़ाता हूँ मैं, और ये पॉइंट को मैं आगे तक लेता हूँ, ठीक है। तो अपने ऐसा आना चाहिए ये से, ठीक है। फिर इसके ऊपर ये राउंड आ जाएगा, फिर इसके ऊपर ये इतना इतना ये राउंड आ जाएगा, ठीक है। तो अब क्या करता थोड़ा सा राउंड का एकदम प्रॉपर प्रॉपर कर दो, ठीक है। तो ये बराबर है। अभी क्या करना है, यहाँ पे है ना ये वाला सेक्शन का थोड़ा सा ये वाला भाग थोड़ा बाहर की तरफ लो, ठीक है, अंदर ज्यादा झुक रहा है ये। और ये वाला सेक्शन दिया था तो इसको है ना थोड़ा सा ऐसे झुका दो, और ये वाला थोड़ा ऐसे खड्डा टाइप कर दो, तो ऐसा आएगा ये, ठीक है। अभी साइड डालते हैं यहाँ पे एक और, वैसे तो 17 mm दी हुई है, 16 करते हैं यहाँ पे टोटल हाइट अपने 17 mm, तो यहाँ पे एक और 16 करता हूँ, तो ये ऐसा सेट हो गया, ठीक है। अब करता हूँ मैं यहाँ से अप्लाई। अब देखो यहाँ पे बीच में एक राउंड भी देना पड़ेगा, तो ये राउंड आएगा तो ये राउंड अपन को यहाँ पे ऐसे सेट करना है, ठीक है ना। राउंड को अपन को इसके बराबर बराबर सेट करना है और यहाँ पे अप्लाई करते हैं। अब करता हूं मैं यहाँ पे ये राउंड, राउंड लिया 90 डिग्री, और यहाँ पे एक और यहाँ पे करता हूँ 16, और मर्ज ही कर देते हैं, ठीक है। तभी क्या बहुत ऊपर आ रहा है अपने, और एंगल थोड़ा चेंज कर लेता हूँ, 50% कर लेता हूँ मैं, और यहाँ पे करता हूँ मैं 10, ठीक है ना। तो हाइट को कभी कभार क्या कम भी करना पड़ता है, ठीक है, ये टाइप से सेट करने के लिए, ठीक है। और थोड़ा एंगल में बढ़ा लेता हूँ, यहाँ पे 70 mm कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे 70 की जगह 60 करता हूँ, ठीक है। तो एंगल ऐसे चेंज कर देना है सेट करने के लिए। तो अभी ये हो गया सेट, ठीक है, ओके कर दो। फिर इसके क्या क्या करना कि मर्ज इंटू सिंगल लेयर करके, इन दो लेयर को मर्ज इंटू सिंगल लेयर करके अपने थोड़ा सा एकदम प्रॉपर सेट बिठाना है। तो क्या करेंगे, लाइन वर्क निकालेंगे क्रिएट बाउंड्री से, ठीक है।
ये लाइन वर्क निकाल दिया मैंने करेट बाउंड्री से। अब क्या करना है, यहाँ से स्कल्प में जाके अपने आउटर आउटर निकाला हुआ ही थोड़ा सा हल्का सा यहाँ से स्मूथ कर दो। फिर क्या करना, रिलीफ एडिट और आउटसाइड कट कर दो, ठीक है ना। तो ये प्रॉपर ऐसे सेट बैठे बैठेगा फोटो के हिसाब से, ऐसा ही है ना ये सुबह जी। तो हाँ सर, ऐसे देखो सेट बिठाना, पहले क्या क्रेट बाउंड्री वगैरह निकाल दो, क्योंकि जो बाहर मटेरियल जाएगा ना तो वो बाउंड्री के अंदर ही रहेगा ही, अपन कट करेंगे ना। ठीक, तो ये शेप में आ जाएगा ऐसा, तभी सही लग रहा है ना ये। तो अभी क्या करते हैं, आगे वाला लेते हैं, फिर इसके बाद में ये जो कट है ना, कट तो बाद में भी देंगे तो चलेगा, लेकिन एक बार बना देते हैं ये। अब ये वाला मैं लेता हूँ पत्ता सी, कट कर दिया और यहाँ से टू वेल में गए। तो देखो सेक्शन इसमें कोई दूसरे लगने वाले नहीं है, सेक्शन वही लगेंगे जो पहले अपन इसमें दे रहे हैं, ठीक है ना। तो इसमें भी यही लगेगा और यहाँ पे मर जाई, और यहाँ पे देते हैं एक और 16 16। तो मेन जो 2D है, इसके 2D अपन को पहले सेट बिठानी पड़ती है, फिर इसके बाद में ये मतलब सेट ऑटोमेटिक हो जाएगा, ठीक है ना। 2D अगर प्रॉपर सेट बैठती है तो अपन को 3D में इतनी दिक्कत नहीं आती, ठीक है। तो अभी देखो ये हाइट थोड़ी इससे ऊपर आ रही है अपने, तो अपन क्या करेंगे इसकी है ना, इसके हिसाब से थोड़ा कम कर देंगे, 13 कर देंगे, क्योंकि ये पत्ता वहां जाके थोड़ा दब रहा है इसलिए। और अप्लाई करो, देखो अभी क्या करना है, ये भी हो गया। अब मैं ये लेता हूँ कट, कट वाला भाग सब साथ में लेंगे अपन, एक बार इसको 3D कर लेते हैं। और यहाँ से ये वाला हो गया, अब ये वाला सर लेते हैं, टू व्हील में गए और यही सेक्शन लेंगे अपन और इसका सीधा कर देंगे रिवर्स करके, और यहाँ से मर जाइए। यहाँ पे देखो टर्न थोड़ा सही नहीं आ रहा, टर्न थोड़ा सही कर दो, ऐसे गोल कर दो ऐसे, और यहाँ पे साइड डालता हूँ एक और 12 13 कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि इसकी हाइट यहाँ पे 17 है, ठीक है। और अप्लाई कर, अब लेंगे ये साइड वाले किनारे, यहाँ से सी कट कर दिया, और सेक्शन देखो ऐसा ही रहेगा सब, और यहां से मर जाए, लाइन को थोड़ा पीछे की तरफ लो, क्योंकि थोड़ा मिरर करेंगे तो थोड़ा गैप दिखेगा, उसके हिसाब से अपन को लेते हैं। तो यहाँ पे एक और 16 करते हैं, यहाँ पे बीच वाला भाग है, ठीक है ना, 16 ज्यादा आ रहा है, यहाँ पे 13 ही करते हैं, ठीक है। साइड व्यू से देख लेना है ऐसे, तो ज्यादा नहीं आना चाहिए, और अप्लाई कर लिया। अब देखो यहाँ पे अपन ठीक है, मिरर करके रखता हूँ। अब देखो ये वाला लेता हूँ, ठीक है ना, एक साइड साइड का पहले बना दो, ठीक है, फिर उसके बाद में अपन दूसरा देखते हैं। ये सेक्शन नहीं चलेगा, ये चलेगा, और यहाँ पे मर जाए कर, ठीक है ना, ये सेक्शन नहीं। अब ये लगा देते हैं, ये थोड़ा सा सही आना चाहिए, ठीक है ना। तो ये देखो एंगल ज्यादा आ रहा है, तो यहाँ पे एंगल थोड़ा पीछे ले लो, और यहाँ पे कर दो एक, और यहाँ पे कर दो 13, ठीक है ना।
हेलो। और यहाँ पे अप्लाई कर दो। ठीक है, तो देखो साइड वाले भाग कंप्लीट हो गए हैं। अभी ये मैं ओके बीच वाले सेंटर वाला भाग बनाता हूँ। ठीक है, तभी क्या करते हैं, ये सेंटर वाला भाग बनाने से पहले अपन क्या कट कट का मतलब कंप्लीट कर देते हैं, फिर क्या ये बीच में लेयर नहीं आएगी। तो ये कट कहाँ से निकल रहा है, ये यहाँ से आ रहा है। ठीक ठीक है ना, और ये वाला कट इसको थोड़ा सेट कर दिया है। ठीक ये भी हो गया, अब ये भी बराबर ही है। इन सबको क्या करते हैं, ग्रुप कर देते हैं, कंट्रोल जी। ठीक है, और यहाँ पे इसका सेक्शन बना देते हैं छोटा सा, और सिलेक्ट और एक्सट्रूड कमांड में गए और ये वाला सेक्शन सिलेक्ट किया। अब ये सेंटर में लेते हैं, अभी साइज बहुत बड़ी है तो छोटा कर लेते हैं ऐसे। ठीक है ना, थोड़ा ऊपर आ रहा, देखो सेक्शन सीधा रहना चाहिए, ये लेवल में रहना चाहिए ऐसा। ठीक है, और जेड सेक्शन भी यही देते हैं, तो दोनों तरफ से ये किनारे किनारे ऐसे दब जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे ये अलग ही लेयर रहनी चाहिए। ठीक है, और अप्लाई कर दो। ठीक है, सॉरी, इसको ये वाला भी साथ में लेना पड़ेगा, थोड़ा सा इसको सेट करेंगे। ठीक है, इसको भी ग्रुप करके साथ में ले लेते हैं, कंट्रोल जी। ठीक है, और एक्सट्रूड कमांड, ये लिया कट, और यहाँ से सेंटर लाइन, और यहाँ से सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, थोड़ा सा मेरे को बड़ा लग रहा है सेक्शन, थोड़ा सा इसको छोटा कर देते, और यहाँ पे जेड सेक्शन यही देंगे और अप्लाई कर दो। ठीक है, अभी क्या करना, देखो सेक्शन के हिसाब से ये डीप आएगा, तो अपन यहाँ से अलग से डीप बढ़ा सकते हैं। ठीक है ना, 2 mm कर देते हैं राउंड फिगर, और फिर क्या करना है, स्मूथ कर देना है यहाँ से, हल्का हल्का किनारे किनारे स्मूथ कर दो। ठीक है, ये हो गया। अब मैं क्या करता हूं, इनको है ना मर्ज इनटू सिंगल लेयर करता हूं, मर्ज इनटू सिंगल लेयर। ठीक मर्ज आई, और यहां से कुकीज कटर, और यहां पे मिरर कर देता हूं। ठीक है, शिफ्ट दबा के ये लाइन सेलेक्ट किया और मिरर, और दोनों को पेस्ट कर देता हूं। अभी क्या करना है, यहाँ पे एक बीच वाला सेंटर वाला भाग बनाना है, तो ये इन दोनों को लाइन को सिलेक्ट करेंगे, और इसका सेक्शन मैंने शायद बनाया था, ये रहा, ये रहा। ठीक है ना, ये सेक्शन लगेगा, तो ये वाला लेता हूँ। हेलो, हाँ सर, ठीक है ना, और ये वाला, और इसको करते हैं मर्ज आई, और यहाँ पे देखो स्टार्ट हाइट थोड़ी ज्यादा देता हूँ, और ये हाइट मैं 11 देता हूँ। ठीक है, ये आ गया, थोड़ी स्टार्ट हाइट ज्यादा दोगे चलेगा, ये बीच वाला भाग अलग से है, और यहाँ पे अप्लाई कर दो। ठीक है,
अब इसका भी कट साथ में ही ले लेंगे, ये और ये सिलेक्ट किया, तो और यहाँ पे वही सेक्शन और एक नई लेयर और मर जाए, ठीक है ना। और यहाँ पे 3 और 11 करता हूँ, ठीक है ना, और अप्लाई कर दो, ठीक है, ये हो गया। अभी देखो इसमें भी कट है तो कट दे देना, ठीक है ना, और इसमें भी देखो कट है, यहाँ पे ऐसा कट है ये, ठीक है। कंट्रोल जी ग्रुप कर दिया और इसको मिरर कर दो, फिर इन सबको ग्रुप कर दो, ठीक है। अब एक्सट्रूड कमांड में इसको कट कर दो, नई लेयर लेके, और ये यहाँ पे सेंटर लाइन में ले लो, और यहाँ पे डेड सेक्शन यही दे दो, ठीक है, और यहाँ पे सब्ट्रैक्ट, ये आ गया कट, और अप्लाई कर दो। अब थोड़ा थोड़ा स्मूथ कर दो इसको, ठीक है, ये वाला पीछे वाला भाग स्मूथ कर दो। अब इसकी दोनों की बाउंड्री बाउंड्री निकाल दो, क्रिएट बाउंड्री कट करने के लिए, ये बाउंड्री आ गई, और इसकी नीचे वाला की मैं बाउंड्री निकाल दो, इसकी इसकी भी मैं क्रिएट बाउंड्री करके बाउंड्री निकाल देता हूँ, ठीक है ना। तो ये लाइन वर्क दोनों का ले लिया मैंने, और ये दोनों लाइन सिलेक्ट करूंगा और 23 नंबर की लेयर पे जाऊंगा, रिलीफ एडिट और आउटसाइड कट करूंगा, जो भी कट अपन ने दिया ना ये बाहर वाला कट निकल जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया कंप्लीट। अभी क्या करता हूँ, इन सारों को मैं सिलेक्ट करता हूँ और मर्ज इनटू सिंगल लेयर करता हूँ, और फिर रोटेट कर देता हूँ, मर्ज जाइए, ठीक है। अब मैं इसको कॉपी कर देता हूँ, फ्लिप पार्ट, और यहाँ पे रोटेट में गए, अपने सेंटर लिया हुआ ही है, ठीक है, रोटेट में गए और यहाँ पे 4 कर दो और अप्लाई कर दो, ये आ गए चारों बाजू। और यहाँ पे ट्रांसफॉर्म में गए और लॉक बंद कर दो, टोटल 17 mm अपने हाइट करनी है, 17 mm, और यहाँ पे पेस्ट कर दो, ठीक है ना। तो ये मतलब डिजाइन लगभग कंप्लीट हो गई है अपने, सुभाष जी तो हाँ सर, ये डिजाइन कंप्लीट हो गई है। तो ये तरीके से अपन को डिजाइन को शेप देना है अपने को। और देखो अभी बाकी क्या रहा है इसके अंदर, देखो फ्रेम रही है, तो फ्रेम तो सिंपल सी है, इसमें कोई है नहीं इतना, ठीक है ना। तो मतलब डिजाइन डिजाइन तो कंप्लीट हो गई, ठीक है ना, फ्रेम सिंपल सी है और यहाँ पे सीट भी थोड़ी कम है, तो डिजाइन को इस तरीके से अपन को बनाना है, ठीक है। फ्रेम को आपने वो सिंगल पास से किया था ना, हाँ फ्रेम आपने कल बनाया था, हाँ वो कुछ एक आपने सेक्शन बनाया और सिंगल क्लिक से वो फ्रेम पूरा रेक्टेंगल हो गया था वो कल वाला ना, कल वाला। हाँ कल तो देखो यही चालू था अपने तो। हाँ नहीं, आपने कल वो परसों एक जो ये दिखाया तो ना बीच आपने, वाला राउंड बनाया था वो तो नहीं। नहीं, ये रिलीफ टूल में सेकंड वाला ऑप्शन जो आपने बताया था रिलीफ टूल उसमें, में ये वाला, नहीं, नीचे रिलीफ टूल में सेकंड वाला ऑप्शन साइड से, लेफ्ट साइड, इधर नहीं, स्क्रीन की नहीं, अपनी लेफ्ट साइड, आपकी नीचे, मेरे मेरी लेफ्ट साइड, ये हाँ इसमें रिलीफ में बराबर, रिलीफ हाँ नीचे, हाँ वो वाला, हाँ एक्सट्रूड वाला, ये तो एक्सट्रूड कमांड है, अभी 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 आप जो कट कर रहे थे वो एक्सट्रूड कमांड से ही कट कर रहे थे ना सब। हाँ वही। मगर आपने जो कल परसों एक परसों फ्रेम बनाया था रेक्टेंगल वाला, हाँ वो आपने एक सेक्शन बनाया और रेक्टेंगल में सिंगल कमांड से वो फ्रेम पूरा क्लियर हो गया हाँ तो वो तो देखो एक सेक्शन आते, ये भी फ्रेम बनेगी ना इसमें, तो था। एक ही रेक्टेंगल से बनेगी और एक्सट्रूड कमांड से ही बनेगी, जैसे कि मैं ये बना रहा हूँ, ठीक है ना, ये मैं स्क्वायर लेता हूँ यहाँ से, हाँ
तो ये टाइप की मतलब फ्रेम एक्सट्रूड कमांड से हो जाती है, ठीक है। जैसे कि ये अपनी हाइट विड्थ बराबर आ गई ये यहाँ तक, और यहाँ पे क्रिएट कर देता हूँ और सेंटर में लेता हूँ, ठीक है ना, इस लाइन को इसके लाइन के सेंटर में लेता हूँ और ये आ गया सेंटर में, ठीक है। अभी क्या करना है, यहाँ पे देखो साइज देखते हैं, सेंटर में है, ठीक है, थोड़ा सा आउट रहेगा, ठीक है, वो साइज थोड़ा, पेज थोड़ा छोटा है इसका, तो मैं क्या करता हूँ सेक्शन एक बनाता हूँ। देखो यही सेक्शन चलेगा, ये टाइप का ये बनाया हुआ है ना, हाँ वो उसका ये भी चल जाएगा। देखो यहाँ पे एक लाइन चलेगा। सेलेक्ट किया और एक्सट्रूड कमांड में गए और यहाँ पे ये मैंने सेक्शन दिया, ठीक है, तो ये फ्रेम बन जाएगा, ऐसा ऐसा बन जाएगा, आ गया ना। सेंटर में लेना है तो सेंटर में देखो, सेंटर में लोगे तो भी वो अपनी सीट थोड़ी कम है तो सेंटर में बार कट हो रहा है, ठीक है, ये वाला भाग, तो ऐसे बनेगा ये इसका फ्रेम। ये अपना सीट कितने बाय कितने का है? सीट का साइज है ना, सीट थोड़ा छोटा है ना, इसलिए बाहर जा रहा है तो कट हो जाता है ये। सीट को बढ़ा सकते हो आप? हाँ, इसको इसको सीट को अगर बढ़ाना है तो यहाँ से बढ़ा सकते हैं अपन, यहाँ पे जाओ मॉडल में हाँ जाओ, ठीक है ना, और यहाँ अच्छा, पे एड बॉर्डर कर दो, यहाँ पे चारों तरफ हाँ से सिमेट्रिकल करेंगे तो ये 30 mm में करता हूँ तो चारों तरफ से 30 30 mm बढ़ जाएगा ये, ठीक है। अभी ये देखो थोड़ा लोड लेगा ये 30 mm बढ़ने के लिए, लेकिन हाँ बाकी ये 30 mm बढ़ जाएगा ये, तो ये देखो 30 mm मतलब सीट से बढ़ गया, मतलब ये बढ़ेगा तो ऐसे काला काला आएगा ये, ठीक है, ब्लैक ब्लैक आएगा। अब देखो यहां से मैं वापस एक्सट्रूड कमांड में जाता हूँ और ये वाला मैं सेक्शन लेता हूँ, ठीक है ना, और ये देखो अंदर की साइड में आ गया, ठीक है ना, तो ऐसे बनाना है अपने को। अभी क्या सेक्शन थोड़ा है ना, थोड़ा है, ये सेक्शन का थोड़ा चिपक रहा है अभी, क्या कि एड बॉर्डर किया है हाँ ना, अभी क्या कि ये सेक्शन का थोड़ा ये बाहर बाहर की तरफ जा रहा है, यहाँ पे छोटा करेंगे तो ये फ्रेम भी छोटा आएगा ये, ठीक हाँ है ना, ये फ्रेम भी छोटा आएगा इसके हिसाब से ही आएगा। अभी मैंने थोड़ा कम कर दिया, विड्थ कम कर दिया, तो देखो ये भी इसका भी विड्थ कम हो गया ना ऐसे, तो ये टाइप से सेट करना है अपने को, ठीक है। और ये बैकग्राउंड का कलर कहाँ से चेंज होता है सर? बैकग्राउंड का कलर ना, ये यहाँ से बैकग्राउंड का कलर यहाँ से सेट होता है, देखो यहाँ पे जाओ लाइट एंड मटेरियल, इसमें जाओगे तो देखो बैकग्राउंड कलर आता है इसमें, यहाँ पे ये बैकग्राउंड लिखा हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ पे जाओ बैकग्राउंड में और फिर ये वाला जो कलर लिए हुए हैं, एक तो देखो इसमें ऐड करोगे ना तो यहाँ पे देखो जो भी कलर अपन को बनाना है, तो ये कलर बनाने के लिए ऐसा कलर के ऊपर ऐसे राउंड आएगा, कहाँ पे सेट करना है उसके हिसाब से, फिर इसके अंदर कौन सा मतलब कलर रखना है, शेड फिर चाहिए। हाँ ग्रीन में भी कौन सा रखना है, फिर ऐसा आएगा, फिर अपन करेंगे थोड़ा 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 कम डार्क रखेंगे और फिर यहाँ पे कर दो ऐड टू कस्टमाइज कलर, ठीक है ना, यहाँ पे करोगे तो फिर ये, फिर इसके बाद में यहाँ पे नीचे करना है अप्लाई, अप्लाई का देखो दिख नहीं रहा ये नीचे, ओके करना है यहाँ पे, ठीक है ना, ओके करने के बाद में यहाँ पे करना है अप्लाई करना है, ये कलर देखो थोड़ा चेंज हो गया ना। क्योंकि क्या कोई काम करने के लिए बैकग्राउंड का कलर लाइट हो ना तो काम हाँ करने में मजा आता है, फिर हाँ ज्यादा तो डार्क देखो, डार्क आंखों में छुपता हाँ तो देखो बैकग्राउंड का कलर ऐसे चेंज करने का, ठीक है ना, ये बैकग्राउंड कलर आया, मैं अभी करता हूँ, ठीक है ना, यहाँ से करता हूँ थोड़ा सा और डार्क करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे ऐड करता हूँ और यहाँ पे ओके करता हूँ, ओके करने के बाद में फिर अप्लाई करना पड़ेगा, तो ये ऐसा कलर आएगा, ठीक है ना, तो ये कलर आ जाएगा, जैसा भी अपन को अच्छा लगे हुआ है वैसा उसके हिसाब से अपने कलर कर सकते हैं, ठीक है। सर। बढ़िया तो देखो डिजाइन कैसी बनी, बढ़िया बनी ना ये, ठीक बढ़िया सर। है ना, तो ये टाइप से अपन को डिजाइन वगैरह बनाना है, ठीक है ना, तो आज देखो इतना ही रखते हैं, मैं इसका वीडियो वगैरह भेज देता हूँ, ठीक है, और कल नया देखेंगे। और सर वो मेरा इसमें इंस्टॉल का कुछ शूट हुआ? अभी तक नहीं हुआ आपकी इंस्टॉल वगैरह,
नहीं वो मेरा डेस्कटॉप में हुआ, क्योंकि वो तो मेरा ऑफिस पे रहता है, हाँ और घर पे कभी हूँ तो लैपटॉप में मैं प्रैक्टिस करूँ, इसके लिए मैंने पूछा था कि हो हाँ पाएगा। हाँ तो ठीक है, तो मैं अभी मैं बोल देता प्रकाश सर ही किया था ना कल, तो हाँ उनको ही बोलना पड़ेगा क्योंकि इंस्टॉल वगैरह वही करते हैं, तो मैं उनको मैं बोल के बताता हूँ मैं, ठीक है ना। तो जो भी आपको इंस्टॉल वगैरह करना है तो वही करेंगे, नहीं मेरे को तो खुद को सेट नहीं होता इंस्टॉल का, तो ठीक है ना, तो उनको मैं बोल देता हूँ तो आपका मतलब वो है ना सेट कर देंगे। तो देखो आज अपन इतना ही रखते हैं, और ये वाली देखो डिजाइन एकदम कंप्लीट हो गई, और इसी तरीके से अपन को है ना सबको मतलब 2D वगैरह और 3D वगैरह ये सेट करने हैं, और 2D वर्क लाइन वर्क है ना ऐसा ही बनाना, मतलब कि प्रॉपर मतलब 3D, जब 3D बनेगा तो उसका शेप थोड़ा अच्छा आएगा, ठीक है। ठीक है ना हार्दिक भाई, सुबह जी आज इतना ही रखते हैं, तो फिर आज ओके सर, ओके। तो देखो ये वीडियो वगैरह गौर से देखना, और ये मैंने किस तरीके से 2D वगैरह बनाई है, तो यही टाइप से अपन को काम करना करना है, ठीक है ना। तो अपना डिजाइन भी सही रहेगा, मेन चीज रहता है 2D का, जो 2D अच्छी बनेगी तो मतलब 3D ऑटोमेटिक उसका अच्छा बनेगा, ठीक है। तो सही से 2D बनाना है अपने को, और प्रैक्टिस ज्यादा करना है अपने, ठीक है। तो आज इतना ही रखते, तो फिर ठीक है, आज इतना ही रखते। तो आज मैं वीडियो वगैरह भेज देता हूँ, ये फोटो तो है ना आपके पास में, फोटो भेजा था शायद आपने हाँ कल फोटो भेजा था, आज वीडियो भेज देता हूँ, आधा वीडियो कल आया था आधा आज भेज देता हूँ, ठीक है ना, ये सेट हो जाएगा, ठीक है।